खुशखबर खुशखबर खुशखबर, जय दादा दी शॉपिंग मॉल बेला की तरफ से 999 के कपड़े खरीदने पर एक कूपन फ्री। 1/3/2024 से लेकर 31/5/2024 तक ये ऑफर, आइए खरीदिए और इनाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी और ड्रेसिंग टेबल पाइए। हमारे पास शादी ब्याह के सभी प्रकार के अच्छे और ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग साड़ियाँ ड्रेस मटेरियल मेंस वियर किड्स वियर लेडीज वियर उपलब्ध है, वो भी कम दामों में। 999 की खरीदी पर एक कूपन फ्री और घर ले जाइए स्कूटी ड्रेसिंग टेबल। हमारा पता है मेन रोड बेला। नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, अभी समर आ चुका है, धूप काला लग चुका है और आपको इन आवारा कुत्तों से बिल्कुल सावधान रहने की जरूरत है और बिल्कुल सावधानी बरतने की जरूरत है। कल ही की केस है, अभी इस वक्त बेला के हम PSC में मौजूद है और कल 7 केस डॉग बाइट के आए हैं, यानी डॉग बाइट। कल के जो 7 केस थे उनमें से 5 को तो यहाँ पर इलाज किया गया, उनको इंजेक्शन दिया गया है, लेकिन 2 ऐसे जो ग्रेड 3 के जो केस थे उनको रिम्स में रेफर कर दिया गया, क्योंकि डॉग बाइट से केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर समर आते हम अपने बच्चों को किराना दुकान में या तो बाहर कोई ज़रूरत से भेजते हैं, लेकिन ऐसे इसमें आप अपने बच्चों को और आप खुद भी इसकी सावधानी बरतें, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं ये समर में उनका जो उफान पर आते हैं और उनका जो जहर है वो अपने वो जो कुत्ते होते हैं वो काटने के लिए बाइट के लिए दूसरों को दौड़ाते हैं, और इसी समय में उनका वो जो कुत्ते हैं वो अभी ज़्यादातर बेला शहर के अंदर और बेला मंडल के अंदर ये ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। अगर आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अगर केसेस है तो वो सीधा रिम्स में जाएं, और ग्रेड 1 ग्रेड 2 है तो यहाँ पर बेला PSC में आ सकते हैं। अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर वंशी का भी यही कहना है कि अगर आपको किसी तरह से कुत्ते से हानिकारक है हानि होती है तो सीधा PSC में आकर मिले या तो फिर रिम्स में सीधा चले जाएँ। अभी कहा जा रहा है कि जो कुछ लोग कहते हैं कि ये पालतू कुत्ता है और ये पालतू कुत्ते के काटने से हमको कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये गलत बात है। पालतू कुत्ते के काटने से भी असर होता है, क्योंकि वैक्सीन सिर्फ कुत्ते को दी जाती है, आपको नहीं। इसलिए पालतू कुत्ता हो या आवारा कुत्ता हो, आप आकर यहाँ पर संपर्क करें और ज़्यादातर ऐसी घटना न घड़े, इसलिए सतर्क रहे और अपने बच्चों को भी सतर्क रखें, अपने बच्चों को निगरानी में रखें, अपने खुद के निगरानी में रखें। अगर आप स्कूल वगैरह में भेजते हैं या आंगनवाड़ी में भी भेजते हैं तो उसके साथ जाएं और उसकी पूरी तरह से निगरानी रखें। धन्यवाद, पर आप बने रहेगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। डॉक्टर वंशी, अभी इस वक्त जो कुत्तों का कहर है, वो जो आवारा कुत्ते हैं उनका कहर बहुत ज़्यादा है, और इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे जनता को और छोटे बच्चों को? सभी बेला मंडल के माय माउली दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये समर सीजन में अब अभी से शुरू हो रहा है कि अब ज़्यादातर डॉग बाइट का केसेस ज़्यादा आने लग रहे हैं, और वो भी ये समर सीजन में वो डॉग बाइट का केसेस पीक रहे थे। सो इसीलिए अब सब लोगों को मेरा गुजारिश है कि आप ये कुत्तों से जरा सावधान रहना चाहिए, और ये डॉग बाइट बोले तो ये कुत्तों के खतरे के भी तीन क्लास पर एक रहता है, एक ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 बोल के रहता है। जो कुत्ता काटने के बाद वो मांस अपना बाहर निकाल के वो खून वहाँ से जो किधर तो भी कुत्ता काटने का साइट रहता ना, वहाँ से मांस बाहर निकल के वहाँ से खून बहते ना वैसे कुत्तों के डॉग बाइट को अपन ग्रेड 3 क्लासिफिकेशन बोलते हैं। वो उसके लिए अपन तुरंत इम्यूनोग्लोबुलिन बोल के एक इंजेक्शन रहता, वो रिम्स में ही अवेलेबल रहता अपने को, उसके लिए तुरंत वैसा अगर ग्रेड 3 डॉग बाइट है तो उसके लिए तो अपन तुरंत रिम्स में लेके जाके वहाँ पे जो जिधर साइड के पास कुत्ता काटा है वहाँ पे इंजेक्शन देना पड़ता, नहीं तो अपन जितना लेट करें तो उतना अपना जान के लिए खतरा हो सकता है। और जो भी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को डॉग बाइट के लिए अपना PSC में इंजेक्शन पूरी तरह का अवेलेबल है। अब कुत्ता काटने के बाद तुरंत टैप वाटर यानी नल के पानी से सोप लगा के अच्छा धोने के बाद यहाँ पे आके वो इंजेक्शन आपके वेट के हिसाब से हम और डेट के हिसाब से कब कब कितना किधर किधर लेने के हम चिट्ठी में लिख के देते हैं, आप उस डेट के हिसाब से यहाँ पे आके वो इंजेक्शन आपको लेना पड़ता है। और ये नियम के बारे में कुत्ते काटने के बाद ये वो काना ये काना ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं और सब कुछ अपना काम कर ले सकते हैं,
कुत्ता काटने के बाद ऐसा नियम रखने का कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये समर सीजन में थोड़ा ये डॉग्स अग्रेसिव रहते हैं, उसका जो सलाइवा में बोले तो धूप में जो रेबिस वायरस रहता है उसके वो अपने शरीर में गए तो थोड़ा अपने को प्रॉब्लम रेबिस इन्फेक्शन आने का थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए वो कुत्ता का घर कुत्ता का बोल दो या बाहर का बोल दो, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वो अपना घर का कुत्ता है उनको वैक्सीन दिए तो इसलिए अपने को कुछ भी नहीं होता बोल के ऐसा बोलते हैं सब लोग आके, मगर वैसा कुछ भी नहीं रहता। वो घर के कुत्ते को वैक्सीन कुत्ते के लिए देते हैं, अपने के लिए नहीं देते। तो कुत्ते काटने के बाद अपना लिए अपन वैक्सीन जरूर लेना पड़ता, जो चाहे वो बाहर का बोल दो या घर का बोल दो। तो मैं सब बेला मंडल के सब लोगों को मेरा गुजारिश है कि आप जरा ये समर सीजन में कुत्तों से जरा सावधान रहिए, पर्टिकुलरली बच्चों को, क्यों बोले तो कुत्ता समझता है छोटे उनके से छोटे आकार के कोई भी चीज दिखे तो वो उसके ऊपर हमला करता है। तो खासकर कुत्तों बच्चों के लिए ये आप थोड़ा सावधान रखने का मेरा गुजारिश। धन्यवाद।